बरारी में बन रहे रिवर फ्रंट कार्य अभी तक ठप, वन विभाग के द्वारा रोका गया है कार्य, एनओसी मिलते ही पुनः कार्य होंगे प्रारंभ। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़, में हूं शहजादी प्रवीण। भागलपुर स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने को लेकर कई कार्य योजनाएं चल रही हैं, जिसमें भागलपुर के बरारी रिवर फ्रंट कार्य भी होना है। बरारी रिवर फ्रंट का 162 करोड़ लागत से सौंदर्यकरण होना है, लेकिन कुछ माह पहले भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत बरारी पुल घाट के समीप रिवर फ्रंट के कार्य की शुरुआत की गई थी, पर इस कार्य को वन विभाग के द्वारा किसी कारणवश रोक दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वन विभाग से कुछ अटकलें सामने आ रही हैं, जैसे ही वो वहां से एनओसी मिलता है फिर पुनः यह कार्य शुरू हो जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों से बातें हो रही हैं, ऊपर के मंत्रियों से भी बातें हो रही हैं, जल्द ही एनओसी मिलते ही पुनः रिवर फ्रंट के कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आपके द्वारा क्या है, कब से उसको शुरू किया जाएगा? बरारी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम जो है वो होना है, और हम लोग सभी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। वो एक प्रक्रिया है, एनओसी लेने के बाद उसमें काम जो है वो शुरू हो जाएगा। पूर्व में भी सर एक बार काम रोके गए थे, जो भी जो कार्य रोका भी गया है, जो भी सुनने में आया है, उसमें क्या है कि एनओसी जरूरी है लेना, एनओसी के लिए हम लोग अप्लाई भी कर दिए हैं, और उम्मीद है कि वो जल्दी एनओसी प्राप्त हो जाएगा और कार्य शुरू हो जाएगा। सर पूरे